नजम सेठी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को राजी किया दोनों हाइपर मॉडल और न्यूट्रल वैनों के लिए मैच, लेकिन बाद में जका अशरफ ने अजीब गरीब काम कर दिया। आइए सुनते हैं। फंदा ना बन जाए क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल उनके बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी तो है नहीं। अब पाकिस्तान यानी पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चला रहे हैं बोर्ड को, तब तक जबकि उनके नए अध्यक्ष या फिर पीसीबी चेयरमैन नहीं अपॉइंट हो जाते। और लगभग तय है कि जो नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे वो जका अशरफ होंगे, जिन्होंने पहले भी पीसीबी की अगुवाई करी है, पहले भी उनके चेयरमैन रहे हैं। पर नजम सेठी, आपको याद होगा, एक उन्होंने प्रपोजल फ्लोट किया था हाइब्रिड मॉडल, जहां पे 4 मैचेस शुरुआत के एशिया कप के वो पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद बाकी के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाए या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो जाए। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद ऊपर नीचे आगे पीछे जब हुआ, उसके बाद ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उसको हरी झंडी दे दी और कहा कि अब 4 मैचेस शुरुआत के पाकिस्तान में होंगे, जो इंडिया नहीं खेलेगा वहां पर बाकी के जो 5 देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो वहां पे शुरुआत के 4 मैचेस खेलेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें 9 मैचेस खेले जाएंगे इंक्लूडिंग सुपर फोर्स और फाइनल। तो ये नजम सेठी की पेशकश थी, उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इसको हरी झंडी दे दी। अब ये है कि जका अशरफ को अभी पीसीबी का चेयरमैन ऑफिशियली अपॉइंट होना है, पर उनका एक बयान जो है वो थोड़ा सा इस पूरे मामले में पेच डाल गया है। वो पेच क्या है कि जका अशरफ ने कहा है कि उन्होंने तो सबसे पहले यानी शुरुआत में ही इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाई होस्टिंग राइट्स हमारे पास थे और आप हमें दे क्या रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं कि आप नेपाल के बुला के खेलिए और बाकी के देशों के लिए खेलिए, जो बिग टिकट इवेंट है या बिग टिकट मैचेस हैं वो तो हमारे साथ नहीं हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं अब आगे बैठूंगा, उसके बाद मैं देखता हूं इसको आगे कैसे लेकर जाए। तो ये आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं कि जका अशरफ का पहला बयान, अब जो उनको नॉमिनेट कर दिया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उसके बाद उनका पहला बयान क्या आया है। तो ये है जका अशरफ ने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो इस पूरे फॉर्मूले के या फिर इस पूरे हाइब्रिड मॉडल के बहुत ज्यादा हक में नहीं है। उनको लगता है कि ये जो है एक खाना पूर्ति सी हो रही है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए एशिया कप का स्केड्यूल अभी आया नहीं है, यानी मैचेस कौन से कहाँ खेले जाएंगे वो अभी आया नहीं है। अब इस पूरे मामले को देखते हैं कि क्योंकि पूरा पीसीबी का जो सेटअप है वो बदलेगा, उनके सिलेक्टर्स बदलेंगे, पीसीबी का जो चेयरमैन है वो बदलेगा, उसके बाद बहुत सारे बदलाव और भी आएंगे। और कहा जा रहा है कि आमिर सोहेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस पूरे सेटअप में निभा सकते हैं। नजम सेठी ने जिस तरह हैंडल किया था, उनको पता था कि पीसीबी में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली फेस को देखकर मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि नजम सेठी शहबाज शरीफ की वजह से आए थे, लेकिन बाद में जो एंट्री हुई है वो जका अशरफ की, जरदारी साहब की वजह से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मुश्किलात हैं।